الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني رضيت عن عثمان فرض عنه وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين सनागो पत्ता पत्ता है इलाही दम बदम तेरा जमीन आसमां तेरे ये मौजूद आदम तेरा जमीन में जो तेरा खा कर तेरे शिकवे करे या रब ताज्जब है कि उन पर भी रहे लुत्फ़ो करम तेरा अपनी इज्जत अफजाही पर तारे बिगड़े झूम अपनी इज्जत अफजाही पर तारे भी गए झूम जब आका ने फरमाया अस्हाबी कल नुजूम इबादत की अहमियत से ज़ौक और शौक के साथ समझे पाए इंतहाई वाजिब एहतराम हजरात उलमाए किराम मोहतरम बुजुर्गों और अजीज दोस्तों आज 22 जुलाई सन 2022 ईस्वी ज़िलहज्जा की इस एक खूबसूरत शाम में आपकी इस जामे मस्जिद उस्मानिया में दूसरी मरतबा हाजरी का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। खलाके आलम से दुआ है हक और सच कहने की तौफीक अता फरमाए और उसके बाद हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप इस जामिया मस्जिद के अंदर आप हजरात के ज़ौक और शौक से अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे और ज़म्ज़मे गूंजते हैं। ये महज अल्लाह का फजल और करम है। सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मज़लूम मदीना है और शहीद मज़लूम मदीना है और जिन पर तारीखी रवायात के मुताबिक 40 दिन तक आब दाना बंद रखा गया और इंतहाई बेदर्दी के साथ जिन्हें शहीद किया गया, उन्हें खिराज तहसीन पेश करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको चुना। बिल यकीन आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मुझसे कबल अल्लामा साकिब परवी साहब खिताब फरमा रहे थे, उनके बयान के बाद मजीद कुछ कहना यह सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। और वैसे भी आपकी जामिया मस्जिद के जो इमाम और खतीब हैं हजरत मुफ्ती साहब सीधा मजदूर, अल्लाह ने उन्हें बहुत ही सलाहियतों से नवाजा है, तो मैं उन उलमाए किराम के सामने कोई रवायती खतीब हूं नहीं कि कुछ कह सकूं, अपना टूटा टूटा सबक सुनाने आया हूं इस उम्मीद से कि अगर मैं अपनी बात अच्छे तरीके से पेश कर देता हूं और हक बात कह देता हूं तो हजरात तायीद फरमा देंगे, और अगर खुदा न खास्ता मैं कहीं पे चौंक जाता हूं, कोई कमजोर बात कर देता हूं तो हजरात इस्लाह फरमाएंगे। हक ताला शान हो मुझे और आपको सच कहने की तौफीक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी वादा किया वो पूरा किया। अल्लाह ने जो भी वादा किया वो पूरा किया। इसके अंदर किसी किस्म का कोई शक और शुबो नहीं है। करने वाले करते हैं, लेकिन हमारे लिए इसके अंदर किसी किस्म का शक करना वो ईमान से हाथ धो बैठने के मुतरादिफ है। अल्लाह ने ईमान वालों से या आप अलैहिस्सलाम से पहले जिन लोगों से जो भी वादा किया वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा उम्मे मूसा परेशान है। फिरौन ने ऐलान कर दिया है कि जो भी बच्चा बनी इसराइल के अंदर पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, उसे सांस लेने का हक नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत हुई, वालदाए मूसा परेशान हुई कि अब मेरा लख्ते जिगर भी फिरौन के सिपाहियों के हत्थे चढ़ने वाला है और इस दुनिया से जाने वाला है। अल्लाह ने हजरत मूसा की वालदा से बजरिया इल्हाम वादा किया कि हम तेरे बेटे को बचाएंगे, हम तेरे बेटे को बचाएंगे और इस अंदाज से बचाएंगे कि आपने इसे दरिया में डाल देना है, संदूक में डालकर दरिया में डालना है और दरिया से जाते हुए यह सीधा फिर वापस आपके पास पहुंचेगा। हम वादा करते हैं कि आपके बेटे को आपके पास पहुंचाएंगे, ये वादा है अल्लाह का। अब आप तारीख उठाएं, कुरान पाक उठाएं, तफासीर उठाएं, देखिए कि अल्लाह ने जो ये वादा किया उम्मे मूसा से कि अपने बेटे को दरिया में डालिए, हम इन्ना रादूहु इलैह, हम इसे वापस आपके पास पहुंचाएंगे, ये वादा है अल्लाह का। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पहले जब खतरा लाहक हुआ तो तंदूर में डाला, वहां से बच निकला तो अल्लाह ने यह हुक्म दिया कि अब संदूक बनाइए और उसमें डालकर दरिया में डाल दीजिए। अब संदूक बनाने के लिए हजरत मूसा ने सलाम की वालदा ने एक कारीगर को, एक कारपेंटर को, एक बड़ई को बुलाया कि वो आए और संदूक बनाकर दे, उस संदूक में रखकर मैं अपने लखते जिगर को दरिया में डालू। अब वो आया और उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने उससे कहा कि मुझे एक संदूक चाहिए जो दरिया में तैर सके।
जो दरिया में तैर सके। वो कहने लगा, हो आपसे गलती हुई है, संदूक तो दरिया में नहीं तैरता, आपको कश्ती चाहिए, कश्ती बना दूं। फरमाया नहीं, गलती नहीं हुई, संदूक चाहिए जो दरिया में तैरे और साइज में छोटा सा हो। उसने कहा किस लिए, आज तक तो मुझे ऐसा किसी ने आर्डर नहीं, हुक्म नहीं दिया, हमने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं, ऐसा संदूक जो दरिया में तैरे किस लिए बनवाना चाहती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने कहा, आप बनाए, आपको उजरत में ले दी। वो पता नहीं किस किस्म का बंदा था, जिद कर बैठा कि नहीं पहले बताओगी तब बनाऊंगा। अब जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने बताया कि बच्चे को, अपने बेटे को, बच्चे को संदूक में डालकर दरिया में डालना है। अब कहता है किसके बच्चे की दुश्मन बनी फिरती है, किसके बच्चे को दरिया में डालने जा रही है। उन्होंने कहा किसी और के बच्चे को नहीं, अपने बेटे को दरिया में डाल रही हूँ, संदूक में डालकर। कहता है बड़ी अजीब माँ है, माए अपने बच्चों को इस तरह संदूक में डालकर दरिया में डाले, आज तक नहीं सुना देखा। कहा बेटा आप बना कर दो, आपको मजदूरी मिलेगी। कहा नहीं बनाऊंगा उस वक्त तक जब तक बताए ना कि इस बच्चे को दरिया में क्यों डाल रही है। उम्मे मूसा ने बताया, फरमाया कि बेटा मेरा बेटा ये फिरौन इसका दुश्मन है और फिरौनी इसे कत्ल करना चाहते हैं, इसलिए अल्लाह के तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मैं अपने बेटे को संदूक में डालकर दरिया में डालना चाहती हूँ, उसके प्रोग्राम के मुताबिक। सारी बात समझ गया। अब दिल में सोचा कि तू क्या मजदूरी देगी, मजदूरी तो मुझे अब मिलेगी। वहां से निकला और फिरौन के दरबार में पहुंचा, और दरबार में पहुंचकर उसके दरबान जो बैठे थे दरवाजे पे, उनसे कहने लगा कि आपके खुदा से मिलना चाहता हूँ। उसने खुदाई का जो दावा कर रखा था कि रब्बुल आला से मिलने आया हूँ। ये जो दरबारी किस्म के लोग होते हैं बड़े जालिम होते हैं, और इन्हें सिर्फ अपने पड़ी होती है। उन्होंने उसे मारा, जवारों से पपरोश के लाई कि वापस जाओ, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है कि हमारा खुदा तुमसे मुलाकात करे। अब उसने कहा, चलते चलते कहा कि एक राज लाया हूं और उस राज का ताल्लुक तुम्हारे खुदा की कुर्सी से है, अगर मुझे उससे मुलाकात नहीं करने देते तो फिर भुगतना। जब उन्हें अपनी कुर्सी की कुर्सी खतरे में नजर आई ना, तो अब कहने लगे कि ठीक है आपको ले जाते हैं और मुलाकात करें। फिर उनका पुराना वतीरा है कि जब इनकी कुर्सी खतरे में हो तो ये दो टक्के के लोगों से मुलाकात कर ले, और वैसे ये किसी को अहमियत नहीं देते। अब जनाब उस बड़ई को अंदर लेकर गए मकान के बलाई हिस्से पे जहां फिरौन का तख्त था, उसके पास पहुंचे। जैसे ही उसके करीब पहुंचे तो कहने लगे, जनाब खुदाबंदा एक राज की बात लाया हूं, किसी से नहीं, अपने कानों से सुना और आंखों से देखकर आया हूं। बात दुराई कि वो बस यहां पे आके उसकी जुबान रोक, आगे नहीं बोल सकता। फिर उन्होंने कहा मारो इसे, ये मजाक करता है मेरे साथ और मेरा टाइम जाया कर रहा है, मारो इसे। मारा, पीटा, बाहर निकाला। जैसे ही महल से बाहर निकला, बाहर आया तो फिर उसकी जुबान चल पड़ी कि मूसा पैदा हो गया। फिर प्रैक्टिस की वापस आया, दरबारियों से कहने लगा मुझे जाने दो, पहले पता नहीं मुझे क्या हुआ था, अब जाकर बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हमें बताओ, कहा नहीं, फिर इनाम तो तुम्हें मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, तुम्हें नहीं बताता, उसके सामने लेकर जाओ। लाया गया, दूसरी बार आया तो कहते हैं कि ऑन द पॉइंट, टू द पॉइंट बात करता हूं और कोई नहीं, बस फिर वहीं पर, फिर जुबान पर, फिर दोबारा उसकी पिटाई हुई, फिर जूतों का हार गले में डाला और उसे बाहर फेंका। और फिरौन ने कहा कि अब ये महल के करीब नजर आए तो उसका गला काट के ला। अब जैसे ही बाहर आया तो फिर जुबान चल पड़ी, दोबारा जुबान। अब बाहर आया तो तीसरी बार बाहर कोशिश कर रहा है बोलने की, तो जुबान नहीं चल रही। अब अल्लाह के हुजूर दुआ करता है, लाहुल आलमीन, ए मूसा के रब, अब ये राज किसी को नहीं बताऊंगा, बस तू एक बार मेरी जुबान चला दे। तो मूसा के रब ने उसकी जुबान चलाई, सीधा घर गया, और घर जाकर उसने संदूक बनाया। अब तो बनानी थी, मजदूरी जो मिल चुकी, नकद मजदूरी, संदूक बनाया और संदूक लेकर उम्मे मूसा के घर पहुंचा, और झुकी हुई निगाहों और नजरों के साथ उम्मे मूसा को संदूक दिया और वापस जाने लगा। तो उम्मे मूसा ने कहा कि अपनी मजदूरी तो लेते जाइए। कहने लगा मुझे मजदूरी मिल चुकी।
अब उम्मे मूसा वो डर गई कि नमालूम इस बदबख्त ने जाकर किसी और को बताया और उससे मजदूरी ले ली, तो कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, सारा किस्सा सुनाया कि ये मामला हुआ। अब उम्मे मूसा सलामुल्लाह अलैहा उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में डाला और संदूक दरिया में डाला और अपनी बेटी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से फरमाया कि इसके साथ साथ जाओ। अब जाते जाते दरिया में संदूक ने सीधा रुख फिरौन के तालाब की तरफ किया, जो उसने दरिया से अपने घर की तरफ जो नहर खोल रखी थी ना, घर के अंदर उसने हौज बना रखा था, क्या कहते हैं उसे, स्विमिंग पूल, क्या कहती है, ये भी फिरौनी कल्चर है। घर के अंदर नहर, सीधा उस नहर के अंदर पहुंचा। अब दरबारियों ने जब संदूक देखा तो उसे पकड़ना चाहा, ये दरबारी बड़े अजीब लोग होते हैं, पहले तो इस अंदाज से पकड़ना चाहा कि फिरौन को पता ना चले हमें कुछ नहीं मिलेगा, देखते हैं इससे क्या निकलता है, बड़े लालची है, लेकिन जो भी करीब जाता है वो संदूक दूर हो जाता है। फिरौन के कानों में ये बात पहुंची, उससे गोश्त गुजार हुई, वो खुद आया संदूक लेने के लिए। अब जैसे ही वो संदूक के करीब आता है संदूक दूर चली जाती है। अब हैरान होता है कि बज़ाहिर तो संदूक है लेकिन इसके अंदर इर्तियाश और ये जानदार मालूम होता है, क्या वजह है। जनाब आसिया सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो मकान के बलाई हिस्से से ये सारा मंजर देख रही, उन्होंने जब देखा तो वो खुद चल कर आई और उन्होंने कहा कि सारे पीछे हट जाओ, ये संदूक आपके हाथ आने वाली नहीं है। जनाब आसिया ने आकर संदूक की तरफ हाथ बढ़ाया, संदूक खुद चल कर उनके पास आया, उन्होंने उठाया। अब फिरौन लेकर आया और संदूक को खोला गया। अब फिरौन का ख्याल था कि हीरे होंगे, जवाहरात होगा, लेकिन हीरा तो था लेकिन पत्थर का नहीं, रुश्द हिदायत का हीरा तो था लेकिन पत्थर का नहीं, सोने और चांदी का नहीं, रुश्द और हिदायत का हीरा। खोला गया, देखा, चेहरा देखते ही कहने लगा खतरनाक है। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम की जबीन को पढ़ते ही कहने लगा खतरनाक है, ये किसी गुलामी करने वाले का चेहरा नहीं है, इसके चेहरे से इंकलाब की झलक नजर आ। अब मुख्तसर करता हूँ, लंबा वाक्य है, अपने मकसद भी आता हूँ। अब दाइयों को बुलाया गया बच्चे को दूध पिलाने के लिए, लेकिन जो भी दाई आती है बच्चा दूध पीने से इनकार कर देता है। अल्लाह ने फरमा लिया कि हमने तमाम कायनात के अंदर तमाम दाइयों का दूध मूसा पे हराम कर दिया था, नहीं पी सकते, जो भी दाई आए एक के बाद दूसरी तीसरी जो भी आए, लरजते हुए कांपते हुए कि न मालूम मेरा क्या हश्र होगा। फिरौन डांटता है, हट जाओ, दफा हो जाओ, तुम्हारी बाबी से बू आ रही है, आखिर खुदा का बेटा है, मजाक तो नहीं। कि करीब में खड़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ये सारा मंजर देख रही और उन्होंने फरमाया हाल अदुल्लु तुम आला मन यक्सुल, अगर मुझ पे यकीन करते हो तो मैं एक ऐसा घराना जानती हूँ जिसका जिस घराने का दूध ये बच्चा यकीनन कबूल करेगा, पिएगा। चुनांचे उनकी बात मानी गई और उनके साथ फिरौन ने अपना दस्ता फौजी दस्ता रवाना किया कि जाएं और उस दाई को लेकर मेरे महल में आएं और वो बच्चे को दूध पिलाएं। उम्मे मूसा के पास पहुंचे, फिरौनी पहुंचे, बहन ने जाकर बेटी ने जाकर वालदा को सारा वाकया बताया कि ये मामला है, हमारे भैया फिरौन के दरबार में है, वो किसी औरत का दूध नहीं पीते, मैंने आपका इसलिए बताया है कि शायद आपका दूध पी ले, इसलिए अब आपको लेने के लिए आए। तो उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मैं नहीं जाती। फिरौनियों ने कहा मारी जाओगी, कहा देखा जाएगा, जाओ नहीं आती, खुदा से कहो अगर बच्चे को दूध पिलाना है तो मेरे हाँ आए, मैं नहीं आती वहां। अब बज़ाहिर ये उम्मे मूसा के जुमले हैं लेकिन हकीकत में ये रब का किया हुआ वादा है, इन्ना रादुहु इलैक, कि हम इस बच्चे को वापस आपकी गोद में पहुंचाएंगे। अब वापस आए, फिरौनियों ने कहा जनाब वो बड़ी नाफरमान है,
उसने इनकार कर दिया आपके महल आपके दरबार में आने से, तो फिरौन ने कहा जिंदा किस लिए छोड़ कर आए हो, उसका गला साथ लेकर आते, काट कर सर लेकर आते। तो आसिया ने कहा हुआ ना नालायक, बच्चा तेरा दूध नहीं पीता और बिगड़ता भी तू है, वो भी अगर दूसरियों की तरह चल कर आ जाती तो उसकी कोई कीमत नहीं थी, आखिर कुछ तो कीमत है उसकी, वो जो इनकार कर रही है, बच्चे को वहीं भेजो। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को शाही अदा में उठाया गया और फिरौन के दरबार से उम्मे मूसा के घर अपने घर लाया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहुंचते ही लपकते ही अपनी वालिदा का दूध पीना शुरू कर दिया। वापस पहुंचे दरबारी जाकर खुशखबरी सुनाई के बच्चे ने दूध पीना शुरू कर दिया है। फिरौन ने कहा आज के बाद जिस घर में मेरे बच्चे ने दूध पिया है वो घर भी शाही घरानों में शामिल है, और जिस औरत का दूध बच्चे ने पिया है उससे भी शाही घराने की औरतों जैसा प्रोटोकॉल मिलेगा। ये है रब का किया हुआ वादा। तो रब ने जो भी वादा किया वो पूरा हुआ कि नहीं? उसने उम्मे मूसा से वादा किया कि तेरे बच्चे को वापस लाऊंगा, जान बचाऊंगा, वादा पूरा हुआ कि नहीं? नस से साबित है कि वादा पूरा हुआ। तो वो रब जो उम्मे मूसा से वादा करे कि मैं तेरे बच्चे को वापस लाऊंगा, जान भी बचाऊंगा और इसके सर पर नबूवत का ताज भी रखूंगा, फिर मूसा नबी बने कि नहीं बने? साबित हुआ कि अल्लाह ने जो भी वादा किया वो पूरा हुआ। तो वो जो वादा अंबिया और रुसल से करे, उनकी वादा से करे, वो पूरा होता हुआ नजर आता है। तो जो वादा उसने आयत इस्तिखलास के अंदर हजरात सहाबे इकराम से किया था, वो वादा कैसे पूरा ना हो? उसने जो वादा सहाबे इकराम से किया था कि खिलाफत की मसनद पर वही आएंगे जिन्हें मैं चुनूंगा, जो मेरे चुनिंदा होंगे, और मेरा इनसे वादा है कि ये खिलाफत की मसनद में आएंगे और खिलाफत आला मिनहाज नबुव्वत के तौर पर पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के परचम को लहराएंगे। फिर अल्लाह का ये वादा भी पूरा हुआ कि नहीं हुआ? ये जिन्ना ने एक बात अर्ज कर दी। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु वो मज़लूम सहाबी रसूल हैं कि जिन्होंने काहत के दौर में मदीना में काहत पड़ गया और जान के लाले पड़ गए, खाने के लिए कुछ नहीं है। उन्हीं दिनों से सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक काफिला, तिजारती काफिला मदीने में दाखिल हो रहा है। मदीना की बलदियाती हुदूद के करीब है कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास कुछ सौदागर आए, कुछ तुजार आए, और उन्होंने आकर कहा कि आपका जो फलां काफिला आ रहा है, हम आपसे आप मुंह मांगे दामों को खरीदना चाहते हैं। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मुझे इससे दुगना मिल रहा, मैं नहीं देना चाहता। उन्होंने कहा हम तीन गुना ज्यादा देंगे, हत्ता के दस गुना तक आए। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नहीं, मुझे इससे भी ज्यादा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के सबसे बड़े ताजर, सबसे बड़े सौदागर हम हैं, आपको कौन दे रहा है? फरमाया मुझे वो दे रहा है, मैंने पहले ही ये नियत कर ली है, पहले ही ये इरादा कर लिया है कि वो काफिला जब मदीने में पहुंचेगा तो मैं अल्लाह के लोग इस अल्लाह की मखलूक में बंदों में मोमिनीन में तकसीम कर। वो अजीम सहाबी रसूल के मक्का के अंदर मोमिनीन के लिए मुसलमानों के लिए पीने का पानी नहीं है, बड़ी दिक्कत का सामना है, और एक मीठा कुआं है जिसका मालिक यहूदी है, और वो पानी मुसलमानों के हाथ महंगे दामों फरोख्त कर रहा है, मुसलमान इंतहाई परेशानी के आलम में है। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं ये कुआं मुझ पर बेच दो। अब उसने देखा कि उस्मान गनी मुसलमान है और ये कुआं मुझसे खरीदेगा और फिर मुसलमानों में मुफ्त पानी तकसीम करेगा, तो उसने इनकार कर दिया कि मैं नहीं बेचना चाहता। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे ऑफर की कि आपकी मुंह मांगी कीमत वो देने के लिए तैयार हूँ, आधा कुआं बेच दीजिए। बिल आखिर वो आधा कुआं बेचने पर राजी हुआ। 12,000 दिरहम सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अदा किए और आधा कुआं, आधा कुआं इस तरह के एक दिन मुसलमानों की बारी और दूसरे दिन फिर वो खुद बेचता। जब हजरत उस्मान की बारी आती जिस दिन मुसलमान पानी भरते बिल्कुल मुफ्त में पानी भरते, अब जब उसने देखा कि मेरे दिन जिस दिन मैं पानी बेचता हूँ उस दिन तो कोई आता नहीं है, यहूदी भी उसी दिन पानी भर रहे हैं जिस दिन सैयदना उस्मान गनी की बारी है, अब मजबूर होकर बकाया आधा भी उसने बेच दिया 8,000 दिरहम में। जो 20,000 दिरहम में सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मीठे पानी का वो कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। लेकिन मेरे दोस्तों
दिल पे हाथ रख कर ये बात सुनिए कि उसी उस्मान पर उसी मदीना में 40 दिन तक पानी बंद रखा गया। प्यासा और भूखा से ये ना उस्मान गनी जामे शहादत नोश कर गए, लेकिन उस कुएं से उस्मान गनी को पानी ना पानी ना। मस्जिद नबी की तोसी और तामीर का काम है, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु की दौलत काम आई, लेकिन 40 दिन तक उस्मान गनी को मस्जिद नबी के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु मसरूर हो गए अपने घर की चार दीवारी में और बड़ी मजलूमियत के साथ उन्हें शहीद कर दिया गया। सखावत का ये आलम है मेरे दोस्तों कि गज़वाए तबूक की तजहीज के मौके पर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हंगामी चंदा की अपील की, हंगामी चंदा जैसे उसरत के लिए। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु सामने से खड़े हुए, या रसूलुल्लाह 300 गल्ले से लदे हुए ऊंट पेश करता हूँ, कबूल फरमाई। 300 गले से लदे हुए ऊंट। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई और। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु इधर से उठकर आए, फरमाया या रसूलुल्लाह 300 मजीद गले से लदे हुए ऊंट कबूल फरमाइए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई और। इस तरफ से उठकर आए, फरमाया या रसूलुल्लाह 300 गले से लदे हुए मजीद ऊंट कबूल फरमाए। कितने होंगे? 900 गले से लदे हुए ऊंट जिसके अंदर हर तरह का सामान मौजूद है, सामान हर जर सब कुछ मौजूद है उसके अंदर, और 70 जंगी तरबियत याफ्ता घोड़े हाजिर किए। या रसूलुल्लाह ये कबूल फरमाई। और 70 जंगी तरबियत याफ्ता उस दौर का घोड़ा है, एक घोड़ा असर हाजिर का F-16 भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अरे F-16 की उनसे क्या मुनासिबत कि जिन घोड़ों की टाकों की कसम रब ने अपने कुरान के अंदर खाई, वो घोड़े पेश किए और फिर घर तशरीफ लेके घर गए, सोने और चांदी के दराहम और दिनानीर इकट्ठे किए, चादर बिछाई उसमें जमा किए, चादर को चारों कोने से उठाया, उसकी गठड़ी बनाई और उठाकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक्दस में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर निशावर करते हुए फरमाया या रसूलुल्लाह ये भी कबूल फरमाए। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिए हुए उस अतिये को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाथ से उलटते हैं और इससे पलटते हैं और देखते हैं और फरमाते हैं एक खास तासुर के साथ मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ यूं बुलंद किए फिजा में और फरमाया अल्लाहुम्मा इन्नी रज़ीतु अन उस्मान फर्ज़ानहु, अल्लाहुम्मा इन्नी रज़ीतु अन उस्मान फर्ज़ानहु, इलाहुल आलमीन मैं उस्मान से फर्श ज़मीन पे राजी हो गया हूँ, तो अर्श पे राजी हो जा। और एक यादगार जुमला इरशाद फरमाया मा ज़ल्ला उस्माना बादा मा अमिला बादा हादल यौम, मा ज़ल्ला उस्माना मा अमिला बादा हादल यौम, ओ याकूबी कुलैनी मसूदी तिबरी, और असर हाजिर के मौदूदी। जब वो ऐलान करते हैं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद उस्मान जो भी अमल करे दुनिया का कोई भी अमल उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम किस दुनिया के ठेकेदार हो। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु दोहरे दामाद रसूल कि जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी लख्ते जिक्र का भी इंतकाल हो गया तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मेरी 40 बेटियां होती और वफी रिवाया अगर मेरी 100 बेटियां होती तो मैं यक के बाद दीगरे सबका निकाह उस्मान बिन अफान से करता जाता। उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़ौक़ हया का एक नक्श हदीस के वर्कों में मुझे मिला। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं और सैयदा का नाम आया तो फिर उनके भी एक सलाम अकीदत पेश करता जाऊं कि तेरी पाकीज़गी पर नुतके फितरत ने शहादत दी, तुझे अजमत अदा की फजीलत दी आफियत बख्शी,
बारह तुझ पर सलाम आया और मुबारक है वो लब अदब से जिन पर तेरा नाम आया और रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा है सिद्दीक का लक़ब तेरा फकत फरशी ही नहीं अरशी भी करते हैं अदब तेरा और तेरा हुजरा अमीन खास है जात रिसालत का हुजरा आयशा के बुजुर्गों ने लिखा उलमा ने लिखा कि जब कयामत का इनकलाब आएगा हर चीज का हुलिया बदल दिया जाएगा आसमान की बुलंदियां भी वीरान जमीन की वसत भी खत्म पहाड़ों की मतानत भी खत्म नदियों का जोश भी समुद्रों का जोश भी खत्म नदियों का खरोश भी खत्म सूरज की लमा सूरज की तपश भी खत्म चांद की लमानियत भी खत्म फूलों की महक भी खत्म सब्जे की लहक भी खत्म हर चीज का हुलिया बदल दिया जाएगा लेकिन क़यामत का जब इंकलाब आएगा सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के उस हज हुजरे को उस गुंबद खिज़्रा को क़यामत का इंकलाब भी कुछ न कह सकेगा और ये कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहा मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना और जन्नत की जो चीज जो नियामत है वो लाजवाल है उसे फना नहीं है मेरा और मेरे अकाबरीन उलमाए देवबंद का ये अकीदा है कि जो हुजराए आयशा है ये टुकड़ा इस जमीन का नहीं है ये जन्नत से आया है तेरा हुजरा अमीन खास है जात रिसालत का के बिसात अर्ज पर टुकड़ा यही है बाग जन्नत का और इसी में रहमत लिल आलमीन रहते थे रहते हैं तेरा हुजरा है जिसे गुंबदे खिजरा भी कहते हैं और हशर के दिन इसी से रहमत लिल आलमीन इसी से हशर के दिन इसी से सरवर कौनैन उठेंगे मगर तन्हा नहीं मा शेखैन उठेंगे और इसी पर तेरा रहमत कदा है जिस पर उम्मतों की नफरत की इब्तिदा होगी और इसी पर उम्मतों की मगफिरत की इंतहा होगी वो सैयदा फरमाती है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़्तजियन फी बैती कशफा अन साकी कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ फरमा थे मेरे हुजरा में तशरीफ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली मुबारक से थोड़ा कपड़ा ऊपर को हटा हुआ था इतने में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए रहमत आलम उन्होंने इजाजत चाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी कि आने दो कुछ देर के बाद सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए उन्होंने इजाजत चाही रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आने दो थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे फिर दस्तक हुई और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन आवाज आई उस्मान इब्न अफ्फान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठे लेटे हुए मुस्तजियन और अब उठकर बैठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवा सियाबा अपने कपड़ों को सीधा किया पिंडली मुबारक को कज लिया उसके बाद फरमाया फाजिन अला आने दो इन्हें सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए मीटिंग मजलिस बर्खास्त हुई वापस चले गए तो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा या रसूल अल्लाह आज बड़ा अजीब मंजर देखा आपके दो ससुर तशरीफ लाए सैयदना अबू बकर सिद्दीक
और سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما دونوں آپ کے سسر ہیں وہ تشریف لائے آپ نے کسی قسم کا تکلف نہیں فرمایا اور جب آپ کے داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو آپ نے اتنا تکلف فرمایا کہ لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اسے درست کر لیا فلما یا رسول اللہ کیوں یا رسول اللہ ایسا کیوں کیا میری تو سمجھ میں نہیں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل کانا یستحیی منہ الملائکہ عائشہ میں اس شخص سے حیا نہ کیوں نہ کروں عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں کہ جو مدینہ کے فرش پہ چلتا ہے اور عرش بریم پہ فرشتے بھی اسے حیا کرتے ہیں وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حیا کا ایک چیپٹر مجھے تاریخ کے ورقوں میں یوں نظر آیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری خطبہ شہادت سے قبل غسل فرمایا نیا لباس زیب تن کیا غسل فرمانے کی جو روایت ہے یہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے اس لیے کہ ان پہ 40 دن سے پانی بند برحال میں نہیں پڑا نیا لباس زیب تن کیا اور اس کے بعد اپنے مکان کی بلائی منزل پہ جا کے خطبہ ارشاد فرمایا کہ مدینہ کے لوگوں سنو کسی شخص کو تین وجوہات کی بنا پر قتل کیا جا سکتا ہے نمبر ایک کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو تو قصاصاً اسے بھی قتل کیا جائے گا الحمدللہ زمانہ اسلام تو بعد کی بات ہے میں نے کبھی زمانہ جاہلیت اور کفر میں بھی کسی کو قتل نہیں کیا قتل تو دور کی بات ہے میں نے کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا بحمداللہ اس بات پہ بھی مجھے قتل نہیں کیا جا سکتا دوسری بات کسی مسلمان کو اس لیے قتل کرنا جائز ہے اس کا خون رائگاں ہو جاتا ہے کہ وہ شادی شدہ ہو اور اس نے زنا کیا ہو یہ تیسری دوسری بات کسی مسلمان کو اس لیے قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے اس کا خون رائگاں ہو جاتا ہے اس بنیاد پر کہ وہ اسلام سے پھر کر مرتد ہو گیا ہو اور میں نے جب کلمہ ایک مرتبہ پڑھ لیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ گیا آج بھی اعلان کرتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اس بنیاد پر بھی مجھے قتل نہیں کیا جا سکتا اور تیسری بات کسی مسلمان کا خون اس صورت میں رائگاں ہوتا ہے قتل جائز ہو جاتا ہے اسے قتل کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ شادی شدہ ہو اور زنا کر لے بحمداللہ زمانہ اسلام تو بعد کی بات ہے عثمان کے ذوق حیا کو دیکھیے فرماتے ہیں کہ میں نے زمانے جاہلیت میں زنا تو بڑی دور کی بات ہے کسی کی بیٹی کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھا اس بنیاد پر بھی مجھے قتل نہیں کیا جا سکتا مزید سنیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف میں سے میں نے جب یہ پڑھا تو جھوم اٹھا اور یقین کرتا ہوں کہ جب آپ سنیں گے تو آپ بھی جھوم جائیں گے فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنا یہ دایاں ہاتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں دے کر اسلام کی بیعت کی تھی اس دن سے لے کر آج تک میں نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا اس سے بڑا حیا کر کے دکھائے مجھے اس سے پھر آسمان کے فرشتے حیا نہ کریں تو کس وہ دوہرا داماد رسول وہ اتنی عظمتوں والا وہ اتنی رفاتوں والا وہ اتنی بلندیوں والا لیکن اتنا ہی مظلوم انتہائی مظلوم ظلم کی انتہا کربلا کے میدان میں ظلم ہوا مانتا ہوں اور مجھے کوئی اس سے اختلاف نہیں ہے تاریخی اختلافات جو ہیں وہ اپنی جگہ مانتا ہوں کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم ہوا
लेकिन वहां 10 दिन पानी बंद रहा और एक रवायत के 3 दिन पानी बंद रहा। लेकिन मजलूम मदीना और ये भी अहले बैत का चश्मा चिराग है सैयदना उस्मान इब्न अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हें कोई याद नहीं करता, कसूर उसका नहीं है, मेरा और आपका, इसलिए कि हम सुन सुनी हो चुकी है, सुन हो चुकी है, और ये बातें सुनते हैं मजे ले लेते हैं लेकिन बेदार होने का नाम फिर भी नहीं। तो उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु इंतहाई मजलूम है, दो सहाबी मुझे बहुत मजलूम नजर आए, सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अमीर मुआविया बिन अबी सुफयान रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये वो दो मजलूम सहाबी हैं कि जो आपनों की तीरों और आपनों के तानों से भी महफूज नहीं। और सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को खाइन और बद्दियानत लिखने वाले आज अपने आप को सादिक और अमीन कहलाते हैं, डूब कर मर जाना चाहिए मुझे और आपको कि उस्मान गनी को जो खाइन कहे और हम उसे अमानत और दयानतदारी के तमगे अता करें। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मकतब की बुनियाद रखी, मेरे आका अलैहिस्सलाम के मदरसे